नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। हमारा चैनल आरजे ऑटोमोबाइल यूट्यूब का एक चैनल जिसमें ऑटोमोबाइल के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो इसी तरीके से हमारा आज का टॉपिक है TFSI सिस्टम। आपने कुछ गाड़ियों के पीछे लिखा देखा होगा TFSI, मोस्टली ऑडी की गाड़ियों में। तो उसके पीछे TFSI क्यों लिखा होता है, क्या होता है TFSI, ये जानने के लिए देखिए हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमारे आज का टॉपिक है TFSI सिस्टम। TFSI का फुल फॉर्म है टर्बो फ्यूल स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन सिस्टम। यह TFSI सिस्टम भी TDI सिस्टम के जैसा ही है, बस दोनों में डिफरेंस यह है कि TDI डीजल इंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और TFSI पेट्रोल इंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब गैसोलीन इंजन। इसमें उसकी तरह ही इसमें भी एक टर्बो चार्जर होता है और फ्यूल इंजेक्टर होता है। एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि है स्पार्क प्लग। पेट्रोल इंजन में जैसे कि स्पार्क प्लग की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से यह TFSI इंजन में भी की जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं TFSI सिस्टम वर्क कैसे करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक टर्बो चार्जर है। टर्बो चार्जर इंजन से निकलने वाले एग्जॉस्ट गैस से चलता है, मतलब जैसे ही फोर्थ स्ट्रोक में एग्जॉस्ट गैस इस आउटलेट वॉल से इस टरबाइन में जाता है, यह टरबाइन घूमना चालू करता है। और जैसे ही यह टरबाइन घूमने लगता है, यह कंप्रेसर भी घूमने लगता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कपल रहते हैं इस शाफ्ट के थ्रू। अब जैसे ही यह कंप्रेसर घूमने लगता है, यह एटमॉस्फेयर से हाई अमाउंट का एयर सक करता है। अगर दोस्तों, यदि आप टर्बोचार्जर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे टर्बोचार्जर की वीडियो को देख सकते हैं। तो अब जैसे ही इस कंप्रेसर से एयर सक हो गया, अब यह एयर इस पाइपलाइन के थ्रू इंटरकूलर से पास होता है। इस इंटरकूलर में यह एयर ठंडा और ड्राई बनता है। अब यह ठंडा और ड्राई एयर चार्ज्ड एयर कहलाता है। अब यह चार्ज्ड एयर इस पाइपलाइन के थ्रू सक्शन स्ट्रोक के दौरान इस इंजन सिलेंडर में जाता है, मतलब सक्शन स्ट्रोक के टाइम में यह इनलेट वॉल ओपन होता है और यह चार्ज्ड एयर इस सिलेंडर में एंटर करता है। अब जैसे ही यह चार्ज एयर सिलेंडर में एंटर किया, उस समय पर कॉमन रेल के थ्रू फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल इस चैम्बर में इंजेक्ट कराया जाता है। एंड इसके बाद स्पार्क प्लग के कारण यहाँ स्पार्क किया जाता है, जिससे इस एयर फ्यूल मिक्सचर में कम्बशन हो जाता है और कम्बशन के कारण इंजन वर्क करता है। अब फिर से यहाँ एग्जॉस्ट गैसेस बन जाती हैं फोर्थ स्ट्रोक में, मतलब पावर स्ट्रोक के बाद। अब फोर्थ स्ट्रोक पर आउटलेट वॉल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट गैस फिर से इस टर्बाइन में चली जाती हैं और टर्बाइन को रोटेट करती हैं और फिर से यह कंप्रेसर घूमने लगता है, एयर सक करता है और यह पूरी प्रोसेस चलती रहती है। तो दोस्तों, यह है टर्बो फ्यूल स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे आज के वीडियो को देखने के लिए। TFSI, यह TFSI सिर्फ गैसोलीन इंजन के लिए यूज किया जाता है, मतलब अब आप जानते हैं कि यदि किसी भी गाड़ी के पीछे TFSI लिखा हुआ है तो वह गाड़ी जरूर गैसोलीन इंजन से चल रही होगी। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे आज के वीडियो से कुछ सीखा तो नीचे लाइक का बटन जरूर हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, ताकि वो भी TFSI सिस्टम के बारे में जान सकें।